गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी साक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मेकअप, स्किन केयर, हेयर स्टाइल और प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर करो। आपके साथ ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने ये सनसेट आई मेकअप किया है विद ब्राउन लिप्स, तो मैं आज आपके साथ ये लुक शेयर करूंगी। अगर आप देखना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो आपको ये मेरी पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर और इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर का, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन फिट मी का कंसीलर। इसमें मेरा शेड है मीडियम। इससे मैं अपने आईलिड्स पे प्रैप कर लूँगी इसको, क्योंकि जिससे भी मैं कोई कलर अप्लाई करूँ वो अच्छे से दिखे, पॉप आउट होके आए। और इसको मैं ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर का। यहाँ मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। डैम मतलब मैं थोड़ा गीला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, और उससे मैं अच्छे से अपने कंसीलर को अपने लिड पे ब्लेंड आउट कर लूँगी। आपको भी बहुत अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड आउट करना है, जिससे कि कोई क्रीज लाइन या फिर फाइन लाइन आपके लिड के ऊपर ना रहे। उसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी लूज पाउडर से। तो यहाँ मैंने लिया है क्राइलॉन का लूज पाउडर। उसके बाद मैं एक कारा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से ये डार्क ऑरेंज शेड लूँगी, और इसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने पूरे लिड पे अप्लाई करूँगी। मैं सिर्फ क्रीज लाइन से नीचे नीचे अपने इसको अप्लाई करके एक बफिंग ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट करूँगी, और धीरे धीरे करके मैं अपने शेड को और इंटेंसीफाई करती जाऊँगी। मतलब मैं इसको धीरे धीरे करके डार्क करूँगी और इसको ब्लेंड भी करती जाऊँगी, जिससे कोई भी क्रीज लाइन क्रिएट ना रहे। आपको ब्लेंडिंग क्रीज पे अच्छे से करनी है, जिससे कोई भी फाइन लाइन ना रहे, ना ही कोई लाइन दिखनी चाहिए आपके आई मेकअप में। बिल्कुल ब्लेंडेड लगना चाहिए। और आपको लगता है कलर कम होता जा रहा है ब्लेंड करने के पर, तो आप और कलर भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि आपके दोनों आईज़ पे बैलेंस्ड कलर हो, एक पे लाइट और एक पे डार्क ना हो, दोनों आपके आईलिड्स एकदम बैलेंस्ड हो। तो मैं उसको बैलेंस कर रही हूँ। मुझे दोनों पे थोड़ा और ऑरेंज शेड चाहिए था, तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं अपने लाइनर की जगह लगा रही हूँ काजल। जी हाँ, अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता, आपको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप सिंपल काजल लगा लो ऐसे। मतलब ज़रूरी नहीं है बिल्कुल फाइन काजल लगाना है, अगर आपसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो एकदम आप फाइन काजल लगाओ और उसको एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करो। ये इतना अच्छा लगता है, लाइनर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप इस तरीके से अपने काजल को लाइनर की तरह लगाते हो और उसको स्मज कर लेते हो, तो ये बहुत स्मोकी इफ़ेक्ट देता है और साथ ही के साथ बहुत प्यारा भी लगता है जब आप अपने आईज़ ओपन करोगे। जैसे जैसे आपका आई मूवमेंट होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लाइनर से ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से अपना लाइनर लगाते हो तो। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये इनसाइड का लिक्विड इल्यूमिनेटर। इसमें मेरा शेड है रोज़ गोल्ड, और मैं यहाँ ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। और इन दोनों चीज़ों को मैं एक मिक्सिंग ट्रे पे ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन निकाल लिया है, इसमें इल्यूमिनेटर डाल लिया है, और मैं इसमें सिरम डाल रही हूँ। तो आज मैं इस तरीके से जो फाउंडेशन लगा रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं जो अपना मेकअप का बेस चाहती हूँ वो बहुत ग्लोइंग और एकदम इल्यूमिनेटिंग सा चाहती हूँ, बिल्कुल नेचुरल भी लगे, ग्लोइंग भी लगे। तो मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें मिक्स करी हैं और अपने फेस पे अच्छे से इसको फैला ले रही हूँ एक ब्रश, कंसीलर ब्रश की हेल्प से। तो इस तरीके से आपको करना है। आप कभी भी अपने फाउंडेशन को एकदम नेचुरल दिखाना चाहते हो और साथ ही के साथ आप ग्लो चाहते हो, तो आप उसमें इल्यूमिनेटर ऐड कर सकते हो। तो अच्छे से इसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट के साथ साथ एक नेचुरल काइंड ऑफ इफ़ेक्ट भी चाहिए मेरे फाउंडेशन का, जो मेरी नेचुरल स्किन का भी लगे और ऐसा भी लगे कि हाँ, मेरी जो नेचुरल स्किन है वो शाइन कर रही है। तो उसके लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है उसको सोक करके आपको फेस को जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए उतना प्रोवाइड करता है। और आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, कोई भी क्रीज लाइन फाइन लाइन नहीं रहनी चाहिए।
उसके बाद मैं ले रही हूँ ये लॉरियल का कंसीलर। ये थोड़ा लाइट कंसीलर है मेरे फाउंडेशन शेड से, तो इसको मैं हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। साथ ही के साथ मेरे इतने डार्क सर्कल्स नहीं है, तो ये मेरे जो अंडर आइज़ हैं उनको भी इवन आउट कर देगा। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ अपने अंडर आइज़, अपने फॉरहेड, अपने चिन और अपने क्यूपिड्स वो के ऊपर, और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से वी फॉर्म में अपना कंसीलर लगा के ब्लेंड करते हो तो जो आपके आईज़ होते हैं वो बहुत अपलिफ्टेड लगते हैं, आपका फेस बहुत अपलिफ्टेड लगता है। अगर आप राउंड में लगाते हो तो इतना अपलिफ्टेड नहीं लगता है। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। तो जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है वहाँ वहाँ आप अप्लाई करिएगा। उसके बाद आपको आपके कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंसीलर को सेट नहीं करोगे तो क्रीज लाइन पड़ जाएंगी, और साथ ही के साथ आपके अंडर आइज़ में बहुत सारे फोल्ड्स पड़ते हैं आपके आई मूवमेंट की वजह से, तो वो भी ना पड़े। तो उसके लिए हमें पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। तो जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था मैं वहाँ वहाँ पाउडर भी लगा रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से लगाइएगा। उसके बाद मैंने ये सिवाना कलर्स का लिया है कंटूर ब्लश हाईलाइट और पैलेट, और इसमें से मैं कंटूरिंग शेड लूँगी ये वाला, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने हॉलोज ऑफ द चीक्स पे। तो मैं इसे इसलिए अप्लाई कर रही हूँ जिससे मेरा फेस बहुत डिफाइन लगे, मेरे फेस को एक एज मिल जाए, एक लुक मिल जाए, और साथ ही के साथ जो मेरे नेचुरल शेडोज़ हैं जो फाउंडेशन लगाने की वजह से हाइड हो गए हैं तो वो भी क्रिएट हो जाएँ। तो अब मैं अपने नोज़ के साइड्स में भी लगा रही हूँ एक कॉन्टोरिंग ब्रश। एक फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हो आप कॉन्टोरिंग के लिए। ब्लश के लिए ये मैं पिंक कलर का ब्लश ले रही हूँ, अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करूँगी जिससे मेरे चीक्स को हेल्थी लुक मिले, मेरे जो चीक्स हैं वो एकदम अच्छे लगे, ब्यूटीफुल लगे, और जब भी मैं स्माइल करूँ तो एक मतलब लुक क्रिएट हो जाए। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये पिंक कलर, और इसको मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी, जो मेरी लोअर वाटर लाइन है उस पर अप्लाई करूँगी अपने आई मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप कोई और भी शेड अप्लाई कर सकते हो अगर आप पिंक शेड अप्लाई करना नहीं चाहते हो, बट मेरे को पिंक कलर लगाना था तो मैं उसके लिए लोअर लैश लाइन पर ये पिंक शेड को स्मज कर रही हूँ एक स्मॉल स्मजर ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं अपने वाटर लाइन पर भी काजल लगा लूँगी, और काजल मैंने यहाँ वेट एंड वाइल्ड का यूज़ करा है। तो अच्छे से आपको अपने वाटर लाइन पर काजल लगा लेना है। अगर आपको स्मज करना है काजल को तो आप स्मज भी कर सकते हो, मैंने सिंपली काजल लगाया है। और उसके बाद जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है या फिर पाउडर है उसको मैं ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड आउट कर लूँगी। उसके बाद हाइलाइटर लिया है मैंने सेम कॉन्टोर पैलेट से, और ये बहुत देखिए कितना प्यारा हाइलाइटर है। ये मैं अपने फेस को हाईलाइट पॉइंट्स पे लगा रही हूँ हाईलाइट करने के लिए। मैं अपने ब्रा बोन पे अपने नोज़ के ब्रिज पर लगा रही हूँ, नोज़ के टिप पर लगा रही हूँ, और अपने फॉरहेड पे और क्यूपिड्स बो पे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिपस्टिक ब्राउन टोन का, और यहाँ मैंने एक ट्रिक यूज़ करके एक हैक ट्राई करके देखा था। एक हैक है कि आप अपने लिप्स को डार्क लिप लाइनर से पहले लिप लाइन कर लो, उसके बाद आपको जो भी लिपस्टिक लगाना है आप वो लिपस्टिक लगाओ। इससे आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और आपके लिपस्टिक का जो शेड है वो भी बहुत डिफरेंट और अच्छा आ जाता है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे थे यहाँ लिप्स, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी ये लिपस्टिक मेरे लुक को, मेरे आई मेकअप मेरे लिपस्टिक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और जो मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हैं वो मैंने फ्रेश लुक के लगाए हैं, तो वो भी मेरे मेकअप को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर। वीडियो हेल्पफुल लगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।